हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा एपी बैंड ऑप्शंस है, आप देख सकते हैं। तो एपी बैंड ऑप्शंस के ज़रिए कैसे आप सैमसंग A14 5G फ़ोन में हॉटस्पॉट की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपने सैमसंग A14 5G फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि हॉटस्पॉट एंड इंटरनेट स्पीड को कैसे आप फास्ट कर सकते हैं, इंक्रीज भी कैसे कर पाएंगे एपी बैंड ऑप्शंस के ज़रिए। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स तरीके से ओपन हो जाएंगे। तो इसमें से आपको क्लिक कर देना होगा सेटिंग्स आइकन पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग से ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपके पास ऑप्शन आता है कि कैसे आप हॉटस्पॉट एंड इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं एपी बैंड ऑप्शंस के जरिए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको कनेक्शन सेटिंग्स पर जाना होगा, और क्लिक करते ही कनेक्शन सेटिंग्स से आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। फिर आपको जाना है यहाँ से मोबाइल हॉटस्पॉट एंड थैथरिंग सेटिंग्स पे, जिसका यूज़ करके हॉटस्पॉट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपली बस इसको ऑन कर देना है, इस पे जाना है, और जाते ही आपके पास ये एपी बैंड ऑप्शन शो हो रहा है, जिसके ज़रिए एपी बैंड को आप चेंज करके हॉटस्पॉट इंटरनेट स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। एपी बैंड को जैसे आप चेंज करते हैं 5.0 पे, तो आपका जो हॉटस्पॉट एंड इंटरनेट स्पीड आपके फ़ोन में इंक्रीज हो जाएगा एपी बैंड ऑप्शन के ज़रिए, और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ से आप अपने फ़ोन में डाटा यूसेज लिमिट सेट कर सकते हैं, मैक एड्रेस को भी आप चेक कर सकते हैं, या आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं जिसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से हॉटस्पॉट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं सैमसंग A14 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें एंड वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो